लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा पलटवार किया है। दरअसल उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला पहले से ही बमबारी कर रहा था, लेकिन अब उसने इस इलाके में करीब 150 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं, जिसकी वजह से पूरे उत्तरी बॉर्डर पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का कहना है कि उसने इनमें से कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, जबकि कई रॉकेट यहां आकर फटे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन हमलों में जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि आईडीएफ ने उत्तर के लोगों से कहा है कि वो अगले आदेश तक बम शेल्टरों में ही रहें। वहीं दूसरी तरफ मैतुला सेटलमेंट में मेयर ने कहा कि हिजबुल्ला के हमलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इन हमलों के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें लेबनान इजराइल सीमा पर भारी बमबारी होती हुई दिख रही है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बड़ा सा ड्रोन क्रैश होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जहां पर यह ड्रोन क्रैश हो रहा है वहां पर पहले से ही आग लगी हुई दिख रही है। इसके अलावा एक अलग वीडियो में एक कार के शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं। एक वीडियो में तो बॉर्डर पर भयंकर धुआं उठता हुआ दिख रहा है। हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ कि यह वीडियो उत्तरी बॉर्डर के किस इलाके का है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि 150 रॉकेट्स के अलावा हिजबुल्ला ने माउंट मेरॉन इलाके में 20 रॉकेट्स का एक और जत्था फायर किया है।